हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। तहसील पुलिस थाना अंतर्गत एक मारपीट का मामला उजागर हुआ है, जहां कार्यवाही के दौरान लिप्त आरोपी के पास से देशी कट्टा समेत लाखों का अवैध माल जब्त किया गया है। आइए देखते हैं विस्तार से। तहसील पुलिस थाने के मस्का सात रोड बंगाली पंजाब परिसर में एक मारपीट मामले का कॉल नियंत्रण कक्ष से मिलने के बाद तहसील पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। हालांकि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही सभी लोग वहां से भाग गए थे। इस दौरान उन्हें मेमन जमात हॉल के गली में दो युवक संदिग्ध रूप में बैठे हुए दिखाई दिए। घेरा डालकर पुलिस ने जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो एक युवक वहां से फरार हो गया, जबकि दूसरे युवक को पुलिस ने पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम गणेश विश्वनाथ तलवारी, उम्र 30 साल, मेमन जमात हॉल के पीछे चांद मोहल्ला बंगाली पंचा बताया और अधिक पूछताछ करने पर आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड निकला। गणेश टेलरिंग का काम करता है। हालांकि उसके पास मिले देशी कट्टे को उसने कहां से खरीदा और किस उद्देश्य से उसे अपने पास रखा था, जिसकी जांच की जा रही है। जब उसके साथी के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि फहीम और गुट्टू शेख बंगाली पंचा निवासी फरार हुआ आरोपी है। इस कार्यवाही के दौरान मोबाइल फोन, देशी कट्टा और जिंदा कारतूस सहित आरोपी के पास से 1,29,000 का माल बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ अवैध रूप से हथियार रखने के चलते पुलिस ने मामला दर्ज किया है और उसके दूसरे साथी की तलाश कर रही है। दिनांक 27 रोजी तहसील पुलिस थाने से तपास पथक रात्र गस्ती असताना प्राप्त झालेल्या माहितीवरून बंगाली पंजा च्या मागील बाजूस मेमन जमात जे आहे त्याच्या मागच्या हॉलच्या मागे दोन इसम संशयित बसले आहेत व त्यातील एका इसमाकडे अग्निशस्त्र असल्याबाबतची माहिती प्राप्त झाली होती। सदर माहितीच्या आधारावरून तपास पथकाचे अंमलदारांनी सदर ठिकाणी जाऊन सदर इसमांचा शोध घेत असताना त्यातील एक इसम पळून गेला व जो इसम ताब्यात मिळाला त्याचं नाव आहे गणेश विश्वनाथ तलवारे। तोही राहणार मेमन जमात हॉलच्या मागे बंगाली पंजा येथील आहे। माहितीच्या आधारावरून त्याची अंग झडती घेतली असता त्याच्या कमरेला एक देशी बनावटीचं पिस्तल व दोन जिवंत कारतूसे मिळणाऱ्याने त्याच तपास कमी ताब्यात घेऊन त्याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सांगितलं की सदरचं वेपन हे त्याच्यासोबत जो इसम होता जो पळून गेला त्याचं नाव आहे फहीम उर्फ गुड्डू शेख, तोही राहणार बंगाली पंजा घोड्याच्या तबेल्याजवळ नागपूर असं त्याचा पत्ता आहे त्याचा असल्याचं त्यांनी सांगितलं। सदर कार्यवाहीवरून तहसील पोलीस स्टेशन येथे CR No. 124/2024 Arm Act 325 गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे व आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। सदर गुन्हे तपास कामी आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। आरोपींनी सदरचं वेपन कुठून आणलं, कशासाठी आणलं होतं याबाबत तपास करण्यासाठी आरोपीचं न्यायालयाकडून पोलीस कस्टडी रिमांड मंजूर करून घेऊन तपास करणं सुरू आहे। सदर घटनास्थळावरून जो इसम पळून गेला त्याचा शोध तपास पथकामार्फत घेत आहोत। त्यातील आरोपी जो आहे त्याच्या विरुद्ध यापूर्वीचे जुगाराचे गुन्हे दाखल आहेत, सध्या तो शिलाईचं काम करतो। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।